हेलो इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस एपिसोड के साथ। आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं, पहले थोड़ा बहुत फंडामेंटली देखते हैं एक बार कंपनी को, फिर टेक्निकल से डिसाइड करते हैं कि लेवल्स के अंदर इसके अंदर हम बाइंग कर सकते हैं और जो पहले से खरीद के रखे हैं उनको भी क्या करना चाहिए। तो मार्केट कैप वाइज देखेंगे तो मिड कैप रेंज की कंपनी है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही अच्छी है। यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है, सेल्स ग्रोथ अच्छी है, बस कमी आई है थोड़ी। सेल्स ग्रोथ देखेंगे, ये 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ ईयरली है, ये देखना, ये 3 साल का सेल्स है और ये पिछले साल से लेके अब के सेल प्रॉफिट में जितना ग्रोथ आई है या कितना डिक्रीज हुआ है प्रॉफिट उसके बारे में। तो इधर भी थोड़ा प्रॉफिट में इसमें कमी आई है, क्यों है वो भी नीचे हम लोग बात करते हैं आके। डिविडेंड कंपनी अच्छा पे कर रही है, सीधा नीचे आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में देखेंगे तो यहाँ पे सेल्स में कोविड ईयर्स में खास करके इन्होंने अच्छा खासा अपना रेवेन्यू बढ़ाया है। अब यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे कोविड खत्म होने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे एक थोड़ा सा रेवेन्यू गिरा है, टॉप लाइन के अंदर थोड़ी सी डिक्रीमेंट हुई है। तो कुछ ऐसी खास बड़े चेंजेस नहीं है कंपनी की। अगर बात करें तो फंडामेंटली अच्छी है, अभी भी कुछ खास चेंजेस हुए नहीं, खास चेंजेस क्या चेंजेस नहीं हुए हैं। प्रॉफिट मार्जिन के अंदर देखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, अदर इनकम्स के अंदर कोई ऐसी रेड फ्लैग नहीं है, इंटरेस्ट में देखेंगे तो कुछ खास चेंज नहीं है, सीधे बस नेट प्रॉफिट के अंदर देखेंगे तो टॉप लाइन की वजह से थोड़ा सा यहाँ पे इफेक्ट आया है, बाकी और कोई चेंजेस नहीं आया यहाँ पे। तो फंडामेंटली कंपनी हम लोग कह सकते हैं ठीक है। उसके अलावा जो चेंजेस आए हैं, उसके अलावा चेंजेस आए हैं उसके बोरोइंग्स के अंदर। बोरोइंग्स देखेंगे तो पिछले 2020 के बाद से इन्होंने थोड़ा सा बोरोइंग्स बढ़ाई है। बोरोइंग्स मतलब अभी भी ये नहीं कहेंगे हम लोग कि ऐसे बढ़ा दिए कि कवर नहीं किया ऐसे रिजर्व के, रिजर्व इनका अच्छा खासा मेंटेन है। तो बोरोइंग्स और रिजर्व का रेशियो अभी भी मेंटेन है, बट बोरोइंग्स उन्होंने काफी हद तक बढ़ाई है। कैश फ्लो वाइज देखेंगे तो पॉजिटिव है, प्रमोटर्स की होल्डिंग कम हुई है यहाँ पे, FIs की होल्डिंग बढ़ी है, तो DIs की होल्डिंग बढ़ी है, मतलब प्रमोटर्स की कम हुई है तो उसके बदले FIs और DIs की होल्डिंग कम हुई है, तो कुछ यहाँ पे ज्यादा मतलब नोटिस करने वाली चीज नहीं है। टेक्निकल्स पे आते हैं, टेक्निकल्स में हम लोग देखेंगे तो एक चीज हम लोग नोटिस करेंगे कि ये जो यहाँ पे एक फॉल आया है उसके अंदर वॉल्यूम हम लोग देखेंगे तो वॉल्यूम उसके अंदर थोड़ी सी कम है, वॉल्यूम कम है। अब यहाँ पे देखेंगे तो इन लेवल्स के आसपास, खास करके इन लेवल पे जब गिरना स्टार्ट हुई कंपनी, मतलब जब गिरना यहाँ पे ये इस वाले लेवल पे आई तो यहाँ पे देखेंगे इस लेवल पे खास करके अच्छी खासी वॉल्यूम आई है, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं इस लेवल पे अच्छी खासी बाइंग हुई थी। यहाँ पे देखेंगे एक ये वाला जोन हम लोग का थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इधर ही से पिछली बार देखेंगे तो हम लोग का एक अच्छा खासा रन अप आया था इन जोन से, ये वाला जोन हो गया, ये वाला जोन हो गया, इसके ऊपर मार्क भी कर देते हैं हमारे कल आएंगे। तो यहाँ पे जब आने वाला था स्टॉक, जब इन लेवल्स पे आया है तो उसके अंदर देखेंगे थोड़ी सी हमारी वॉल्यूम के अंदर इंक्रीमेंट आई, तो ये एक हमारा पॉजिटिव साइन है। इन लेवल्स पे आते ही यहाँ पे लोग फिर से बाइंग करना स्टार्ट कर देंगे, मतलब इस लेवल पे लोग अभी भी इंटरेस्टेड है और यहाँ पे थोड़ी सी देखेंगे वॉल्यूम अच्छी आई है। उसके बाद यहाँ पे कंपनी थोड़ा एक बेस बनाई है, यहाँ पे पॉज दिया है, पॉज देने के बाद कंसोलिडेट हो रहा है, एक्यूमुलेशन हो रहा है, यहाँ वॉल्यूम देखेंगे बीच बीच में अभी भी आ रही है, मतलब बीच बीच में अभी भी लोग इसको खरीद रहे हैं धीमे धीमे करके, इसको बाइंग कर रहे हैं, एक्यूमुलेट कर रहे हैं। एक बार एक्यूमुलेशन यहाँ पे खत्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा टाइम लेगा, हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि ये नहीं कह सकते कि अगले 15 दिन में ये रनअप दे देगा, ऐसा बिल्कुल कोई नहीं कह रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा, 3 महीने लेगा, 6 महीने लेगा, बट यहाँ से रनअप इसमें जरूर मिलेगा, अच्छा रनअप मिलेगा। और इसके पहले टारगेट जो हम लोग लेंगे वो है इसके 60% के आसपास, इसके अंदर बाइंग करेंगे, छोटी सी बाइंग करेंगे, बहुत बड़ी भी बाइंग करेंगे, जैसे जैसे एक्यूमुलेशन होता जाएगा, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे हम लोग भी अपना इसके अंदर पोजीशन बढ़ाएंगे और 6-7 महीने के अंदर देखेंगे इसको एक अच्छे रिटर्न के साथ हमको ये डिलीवर करके ही जाएगा यहाँ से। अभी देखेंगे तो स्टॉक के अंदर बाइंग का एक अच्छा मौका है, बार बार कंपनी अपने लोस पे क्या कहते हैं अपने लोस के अंदर उसके बार बार बाई करने की, बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी नहीं आती है। फिर हम लोग देखेंगे हाई पे बाइंग करने के लिए तो हाई पे बाय करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, फिर वहाँ पे कितने और ऊपर जाएगा किसी को नहीं पता, इसलिए जब स्टॉक अपने लो पे हो, अपने बेस पे हो, उस समय थोड़ा बहुत एक्यूमुलेट कर देना, ये नहीं कह रहे कि एग्जैक्टली उसी लेवल पे पूरी बाइंग कर दो, एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर लो, कम से कम ये रहेगा कि आने वाले समय में जब रनअप होगी कंपनी तो ज्यादा हमारा रिटर्न नहीं छूटेगा, थोड़ा सा छूटेगा उसके बाद हम उसके अंदर और बाइंग कर लेंगे। ठीक, तो इसी के साथ चलते हैं, जो पहले से बाय करके रखे हैं वो भी धीमे धीमे इसके अंदर एक्यूमुलेशन जारी रखें। कंपनी ऊपर जाती है इस लेवल के नीचे जब तक नहीं जाती है, इस लेवल के नीचे जब तक नहीं जाती है इसमें कोई भी मतलब टेक्निकल वाइज इसके अंदर कोई भी नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है अभी, तो अभी इसके अंदर एक्यूमुलेशन जारी रख सकते हैं, जब ऊपर जाएगा तब थोड़ा सा आराम से स्थिर होकर बैठेंगे, रिटर्न लेंगे,
फाइनल अपना टारगेट देखेंगे तो फाइनल यहाँ तक हम लोग यहाँ तक बैठ सकते हैं। ठीक, तो कोई डाउट्स होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। इसी के साथ चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। तब तक के लिए बाय।